मैडम वेब फंसे बताओ क्या भाई। नहीं? मैडम वेब के जाल में अपन सब। मैं नहीं फंसा भाई, इतना भी पागल इंसान नहीं हूँ मैं। पता तो था ही कि क्या देखने जा रहा हूँ, लेकिन इतना गंदा कटेगा ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। ट्रेलर में जितने स्पाइडर वुमेन्स के दिखाए थे ना, पिक्चर में मूवी भी में भाई उतना ही है उतना ही है। हाँ, तो भाई सोनी वालों की तो आदत है ना पूरी ट्रेलर में पिक्चर रिवील कर देने की, भाई। तो वो तो उन्होंने पहले ही कर दिया था ना। तुम और क्या एक्सपेक्ट करके गए थे, स्पाइडर मैन देखने को मिल जाएगा नहीं, पिक्चर में? स्पाइडर नहीं, वुमेन नहीं। अपन क्या सोच रहे थे कि वो उन्होंने थोड़े ही सीन दिखाए उनके सूटअप में, क्योंकि वो हाँ मेन नहीं, सेलिंग दैट वाज इट ब्रो, यही था वही उनके पास। वही था ही उनके पास। सोनी आई थिंक ना, जो स्टार्स को कास्ट करने में थोड़ा सा बात छुपाता है, क्योंकि जब पहली बार अनाउंस की गई थी मैडम वेब, तो सिडनी स्वीनी, डकोटा जॉनसन ने जब स्टोरीज नहीं शेयर आउट करते हैं, टैग वो करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मार्वल स्टूडियोज को टैग किया हुआ था सोनी को छोड़कर। वो तो खुश हो गए होंगे, उनको उन्होंने सोचा लगा, भाई यार सबको लगा जैकपॉट कि लग गया। भाई मार्वल में एंट्री मिल गई अपन को, मार्वल की पिक्चर कर रहे हैं अपन। फिर बाद में पता सोनी ने आई तभी थिंक तो क्लैरिफाई नहीं किया। दैट विल एक्सप्लेन व्हाई डकोटा जॉनसन फायर्ड हर एजेंसी एज सून हाँ एज उसने एजेंसी वालों को फायर किया अपने और दूसरी एजेंसी ज्वाइन करी ना, दैट वुड एक्सप्लेन व्हाई, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस मूवी के साथ, उन्होंने पर बोला हाँ लगा क्योंकि साइन कर लिया था कि चूतियो, आप। तुमको रीड करने नहीं आता है क्या लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में। वही, और उसने ये सोच भाई देखो ऑन पेपर मतलब अपन जैसे अपन लोग को तो मालूम है कि अगर अपने पास आएगा तो अपन तो सीधे आग लगा के फ्यूज कर देंगे कि ले जा भैया पुंगी बना के लो भर लो। लेकिन अब भाई जैसे जिसको नहीं पता ठीक है, अब डकोटा जॉनसन का इंटरव्यू देखा होगा, उसको स्पाइडरमैन की पिक्चरों के नाम नहीं मालूम ठीक है, हाँ तो उसके पास आया कोई सोनी वाला, उसने देखा स्पाइडरमैन, वो हो गया काम, अपन लाइफ सेट वो ठीक तो है। भाई मैं खुद होता डकोटा के पास, ऐसे पिक्चर लेके जाता, कहते मार्वल की पिक्चर लेकर आया हूँ आपके पास। वो वही सोचे मार्वल नहीं सीधी सी स्टूडियोज। बात, उसको नहीं थोड़ी पता कि देखो मार्वल हाँ कॉमिक्स के पिक्चर लेकर आया हूँ, स्टूडियोज की नहीं। उसको वही मार्वल की पिक्चर स्पाइडरमैन से कनेक्टेड, हाँ हो गया। स्पाइडरमैन की पिछली पिक्चर कोई भी देखेगा कितना गई, इतने बिलियन। 1 point something जो भी। हाँ वो बस मेरे को और क्या चाहिए भाई, फ्रेंचाइजी की पिक्चर मिल रही है, मल्टीपल पार्ट्स बनेंगे, स्पाइडरमैन से कनेक्टेड होके क्रॉसओवर हो जाएगा भविष्य में, भाई भाई कैमियो अपीयरेंस के इतने ले इतने तो इतना चार्ज कर लूंगी आगे जाकर भाई चार मैं। चार वेयर इज माय पेन, चार पिक्चरें मारूंगी फिर जिंदगी भर रॉयल्टी से कम, और क्या यही मतलब, कुछ मेरा मेरा गिनती पेन के, लेके आओ। वही ना, गिनती के ऐसे कुछ सुपर हीरोज हैं जिनको अगर आपने जिंदगी में एक बार प्ले कर लिया, आपका करियर सेट है। एग्जैक्टली बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन उठा लो, या फिर स्पाइडरमैन, सबसे पीक कर लिए सो हो गया भाई, अब कुछ हो नहीं गया करना है जिंदगी खत्म में। खत्म। हाँ तो तुमको क्या लगता है टॉम हॉलैंड क्यों अब ऐसे रोल करता है, चेरी करी उसने और ये सब करे, अब वो आर्ट हाउस टाइप। उसको हाँ तुम देखो चिम चिल हाँ भाई उसको मतलब वही ना, वही अब जब भी नो स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज टीवी पे कोई देखेगा, ओटीटी पे, बंदे को पैसा जा रहा है। एक तो भाई इनके राइटर्स को क्यों काम मिल रहा है अभी तक यार? भाई मैं ऑनेस्टली समझ नहीं पा रहा हूँ ये चीज, राइटर्स को डायरेक्टर्स को। मैंने उस डायरेक्टर का नाम देखा सीजे क्लार्कसन, मैंने कहा भाई जिंदगी में पिक्चर बना मत लेना, कैमरा उठा मत लेना तू, अबे पहली पिक्चर तो उसने बनाई मैडम वेब, जिंदगी की पहली मूवी, वरना टीवी इसीलिए तो सीरीज मैंने बना बोला रहे कि थे। अब हाँ बना मत लेना, यही बोला मैंने। जो बाबा जिंदगी पैसे बात लो, दो लोग बात करें चेहरे पे से धूम किए जा रही दो में अबे क्या बहन भाई चल, यार पहला ये मैं पिक्चर का पहला शॉट देख रहा हूँ, मतलब मूवी शुरू हुए 2 मिनट हुए हैं, इतने जूम इन जूम आउट अपने यूट्यूब वीडियो में नहीं मारते अपन लोग, और नहीं स्टार्टिंग में जो भाई वो मैडम वेब और बेन जो बात कर रहे थे अंदर, जो वैन भगा रही होती है और वो लोग उनके बीच का, जो मैं बोल रहा हूँ ये अभी भी 50 Shades वाले मूड में क्यों है? हाँ हाँ वो था उसमें, बता हाँ उस टाइम तक जो शुरू में नहीं, जब वो भगा होगा के बचाव चाह रही होती है लोगों को, और नहीं वो जब खा रही होती है क्या कहते हैं रामेन उमेन जो भी, ठीक है हाँ उस टाइम तक इतनी बुरी नहीं लग रही है यार, मतलब ठीक तो है, मतलब क्या ही खराब है इतना, फिर जो चला ये हिसाब ठीक है। भाई वो बोलते ना वेट फॉर इट, वेट फॉर वेट इट। फॉर इट, फिर वो गाना गाना शुरू किए ना, तुमने अभी तो बोला था ये सुना तो था मैंने, फिर उसके एक्सप्रेशन ऐसे आगे पीछे देख रहे, भाई इतने मंडेन है, इतने लेम है कि क्या ही बोले। उन्होंने पैलेट चुना कि भाई ऐसा, भाई अवतार नो वे होम का सिनेमाटोग्राफर उठाया उन्होंने और उससे ये मुतनहरी मचाया यहाँ पे। भाई मैं बता, उसने ध्यान भी नहीं दिया है भाई, जो इंटर्न उन्टर्न नहीं आते हैं काम करने, तो बोलते नाम मेरा ही रहेगा बाकी जो करना है देख लो तुम। तू भी इसमें प्रोजेक्ट की तरह इंटर्नशिप समझ ले भाई, हाँ वो ठीक करने है,
क्या मैं एक्चुअली में मेरे बेटी का बर्थडे है, मैं जा रहा हूँ, बाकी देख लेगा लड़का यहाँ पे। कैमरा तो यहाँ कोई भी पकड़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं। बोले साहब या तो ये, तो ये काम तो हमारा लड़का भी करवा लेगा, घर से बुला लेता हूँ मैं। हाँ वो देख रहा है कि सर यार वहाँ पे तो मुझे सिर्फ ऑरेंज और टील ही सिखाया था स्कूल में, इधर उससे ज्यादा क्या कलर डालूं मैं। अब पिक्चर में उन्होंने मैडम वेब को जो पावर्स दी, ठीक है, और स्पाइडरमैन की फैमिली के साथ जो कनेक्ट किया, लूप होल नहीं क्रिएट हो जाता है कि अब तुम आगे चल के उसके पेरेंट्स को कैसे मरते हुए दिखाओगे, जब इतनी पावरफुल फैमिली के साथ कनेक्शन है उसका, उसके माँ के बेबी शावर में गई है वो, बेन उसका इतना क्लोज फ्रेंड है, तो तुम कैसे उनको मरने दे सकते हो? देगी लेकिन। अरे वो बता सोनी, देखो सोनी का बता, नहीं तो वही में प्लान होगा उनके पास। तीन रैंडम लड़कियों को बचाने के लिए पूरी पिक्चर में लग जाती है, ठीक है, तो जो उसके पहचान के उनको फिर नहीं बचाएगी वो। स्पाइडरमैन बनने देना ना इसके लिए, कैनन इवेंट। वो बता जो एक तो एक और एक बहुत मजेदार सीन है वो, जब तीनों को जंगल में छोड़ के नहीं जाती है, बोलती मैं आ रही हूँ, मुझको लगा आ जाएगी बाजू बाजू से, रात हो गई बहनचोद। मैं भी वही सोच रहा हूँ, बस तीन घंटे और अंधेरा हो गया। और फिर बोल रही कि तुम वहां गई क्यों, खाना बगैर कोई भी मर जाएगा भूखा। भाई यार वो भी जंगल में अकेले कौन छोड़ता, भाई रात हो गई है, सिंपल सा लॉजिक, अंधेरे में जंगल में कोई भी जानवर नहीं आ जाएगा। और क्या, तीन लड़कियां टीनेजर।